वहीं दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में संत रविदास का मंदिर तोड़े जाने का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। संत रविदास के अनुयायी बड़ी संख्या में तोड़े गए मंदिर के स्थान पर पहुंचे। जायजा लिया हमारे संवाददाता तरुण कालरा ने। संत रविदास का मंदिर तोड़े जाने का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। तुगलकाबाद के अंदर हम इस समय मौजूद हैं और ये वही जगह है जहां पर संत रविदास का मंदिर था, लेकिन 10 तारीख के दिन यहां पर डीडीए का दस्ता आया और इस मंदिर को तोड़ दिया गया। डीडीए दावा कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही उन्होंने ये कार्रवाई की है और इसकी जानकारी दिल्ली के मुख्य सचिव और इलाके के एसडीएम को भी दी गई थी। मौके के अंदर दिल्ली सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे। यहाँ पर मंदिर तोड़े जाने का जो विरोध है यहाँ पर भी हो रहा है और पंजाब हरियाणा के अंदर भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कई जगहों पर कर्फ्यू तक की स्थिति पैदा हो गई है। उनके कुछ फॉलोअर से बात करते हैं। यहाँ पे आप आते रहते थे क्या? जी, यहाँ पे हम आते रहते थे और हम बहुत दिन से यहाँ पे आ रहे हैं। 600 साल ये पुराना मंदिर था और जो ये मंदिर था, अब ये मंदिर मतलब जो 13 तारीख की एक ये डेट थी और एक एक कागज, एक एक हमारे गुरुजी पे है, एक एक मतलब एक एक अक्षर लिखा हुआ है हमारे गुरुजी पे। और जो ये मंदिर तोड़ा था इसकी 13 तारीख की भाई साहब डेट थी, ये 7:50 बढ़ गए और यहाँ पे 3000 लोग पुलिस वाले पड़े थे, 3000 लोग पुलिस वाले पड़े थे। इतने हम लोग आए थे वहाँ से, इतने तो ये सेट मेट कर रखा था। आप लोग आए कहाँ से? हम तो तुगलकाबाद से आए, ये हमारा ही मंदिर है। हाँ जी, यहीं के हम। क्या क्या वजह लगती है, कहते हैं कि ये इलीगल था मंदिर? सर, ये इलीगल नहीं था। रिवेन्यू रिकॉर्ड में 84 से हमारे यहाँ 12 बीघे 7 बिस्वे जगह आज भी रिकॉर्ड में है। इलीगल कोई नहीं था, ये तो मनुवादी सरकार है और कुछ शरारती तत्वों ने उन्होंने करके करा है। तो आप संस्था की तरफ से ही हैं? अब हम सारे समाज की तरफ से, हम सेवक हैं रविदास जी के। रविदास जी के हम सेवक हैं, हम सब सेवक हैं। आप देख सकते हैं कि कई जो लोग हैं सियासी लोग, डीएसडीएमसी के अध्यक्ष हो गए और पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल हो गए, दिल्ली सरकार में राजेंद्र पाल गौतम हो गए, आज इन्होंने पीएम को खत लिखा है और कहा है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। इसे लेकर सियासत पंजाब और हरियाणा में और ज़्यादा उग्र होती जा रही है। एलजी को आपात बैठक तक इस मसले पर बुलानी पड़ी है। हो सकता है कि कुछ बीच का रास्ता अख्तियार करते हुए या मामले को शांत करते हुए इस मंदिर की को तोड़ने की एवज में एक वैकल्पिक स्थान भी सरकार की तरफ से मुहैया कराया जा सकता है। कुछ लोग हरदीप पुरी से भी मिलने जा रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है जो संत रविदास के जो भक्त हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, उनके लिए जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। कैमरामैन शूरवीर के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।